दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा एग्लोनमा प्लांट का आप अपने घर पर किस तरीके से प्रोपेगेशन करेंगे और नया प्लांट बनाएंगे। दोस्तों आप यदि मार्केट या नर्सरी से एग्लोनमा प्लांट ला करके अपना घर पर लगाए हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि आपका यह वीडियो काम का है। यहाँ पर हम आपको बताएँगे कि आप नया प्लांट कैसे बनाएँगे और इसका आपको ध्यान कैसे रखना है, इसका ख्याल कैसे रखना है, जिससे कि आपका पौधा दोस्तों मरे नहीं, ख़राब नहीं होए। दोस्तों इसके लिए हम आप देख सकते हैं जो प्लास्टिक जो खोल रहे हैं, तो इसके पहले जो हम वीडियो बनाए थे तो उसमें हम आपको दिखाए थे कि हम जो ब्रांच था उसको कट करके जितना भी ब्रांच हम रखे थे दोस्तों उसको हम यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो इसका मीडिया क्या है उसके बारे में हम आपको बोल दें कि आप भी अपने घर पर उस मीडिया में बना सकते हैं। दोस्तों आपको लेना है 50% सेंड लेना है नदी के बालू और 50% कोकोपीट लेना है, दोनों को मिला देना है और मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा फंगिसाइड 2 से 3 ग्राम फंगिसाइड मिला करके उसके अंदर में आपको अपने ब्रांच जो भी आप कट करेंगे उस ब्रांच को लगाना है। दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो गमला है इसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब जड़ आने में कितना समय लगता है उसके बारे में भी हम लोग को बातचीत कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसके पहले यदि आप उसे मतलब कि प्लांट को देखेंगे कि मतलब हुआ है कि नहीं, तो इस वजह से आपका प्लांट मतलब कि मान लीजिए लगा हुआ नहीं रहेगा और बीच में छेड़छाड़ होगा तो मतलब कि आपको फिर ख़राब हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों इसका समय हम बोल दें कम से कम इसको 30 दिन का समय आपको देना पड़ेगा। आप जिस दिन लगाएं अपने प्लांट को तो आपको 30 दिन के अंदर ये पूरा ही आपका नया बेबी प्लांट रेडी हो जाता है। और इसको ब्रांच के अंदर में आपको लगाना क्या है, थोड़ा सा रूट हार्मोन्स पाउडर और कोई भी कंपनी का फंगिसाइड है थोड़ा सा, दोनों को मिला करके इसको जड़ में थोड़ा थोड़ा मतलब जो ब्रांच है ब्रांच में लगाना है, और लगा करके आपको जो चीज़ हम बताएं मीडिया उसी मीडिया में आपको उसमें लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों प्लास्टिक जैसे हम दिए थे उस तरह से प्लास्टिक में इसको बांध करके कोई भी छाया जगह पर, कोई बड़ा प्लांट है तो उसके नीचे आप रख दीजिए या कोई शेड एरिया है तो आप शेड एरिया में उसको रख दीजिए। दोस्तों आप इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट आपको कितना अच्छा हुआ, मतलब एक भी ब्रांच आपको मतलब ऐसे बिना जड़ का नहीं निकल रहा है, क्योंकि आपको इसका जो समय है समय का भी आपको ध्यान रखना है कि आप यदि ठंड के मौसम में इसको करेंगे तो ये जड़ सही से नहीं आएगा, समय काफ़ी लेगा। जुलाई महीना से लेकर के आप अक्टूबर महीना तक दोस्तों इसको आप कटिंग द्वारा नया प्लांट बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हम जो आपको दिखाएँ यहाँ पर मान लीजिए 15-20 मतलब कि प्लांट एक साथ में, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इतना बनाएंगे। आपके पास दो ही प्लांट हो तो आप दो ही प्लांट को आप कट करिए, कट करके आप कोई छोटा सा गमला लेना है, 6 इंच का भी गमला है उसमें लेना है, बालू आधा बालू 50% बालू और 50% कोकोपीट मिला करके उसमें आप लगा देंगे तो आसानी से आपको 30 से 35 दिन में दोस्तों हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हम आपको मीडिया दिखा रहे हैं कि जिसमें हम जो मतलब कि जो बेबी प्लांट है उसके लिए दिखा रहे हैं मीडिया क्या होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों जो दिखा रहे हैं ये वाला है आपका कोको चिप है, यानी कि नारकुल का जो छिलका होता है उसका छोटा छोटा पीस किया हुआ है, और इसमें जो हम दिए हैं कोकोपीट है आपको 50%। और दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा मान लीजिए कंपोस्ट है, ज़्यादा कंपोस्ट नहीं दिया हुआ है, 15-20% कंपोस्ट है, और सेंड जो होता है बालू वो वाला 10% है दोस्तों। तो यही सब मिला करके आपको बेबी प्लांट को लगा देंगे और इसको बिल्कुल ही शेड वाला एरिया में हमको रखना होगा, और थोड़ा सा इसमें दोस्तों पैरालाइट देंगे, पैरालाइट आपको ज़्यादा नहीं 4-5% ही देंगे तो हमारा ये हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए आपके पास पैरालाइट नहीं है तो आप क्या चीज़ देंगे, जैसे हम बोले आपको कि इसके अंदर बालू है तो वो सेंड है तो सेंड को आप मात्रा थोड़ा बढ़ा देंगे, जैसे 10% आप दिए तो उसको आप 20% कर दीजिए सेंड को, तो वो पैरालाइट का काम कर देगा। दोस्तों इसका काम होता है कि पानी को मतलब थोड़ा वो
पकड़ करके रखता है, और आपके प्लांट को जब जिस समय पानी उसमें नहीं रहता है, नमी बनाए हुए रहता है, तो प्लांट आपका उस समय वो सही रहेगा। तो इसका काम यही होता है। और इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर मान लीजिए एयर जो है अंदर में जड़ तक जाने का थोड़ा काम करता है, एयर भी आसानी से जाएगा। जितना भी दोस्तों इसका मीडिया आप बनाएंगे, जितना भी हल्का होगा वो सही होता है। मान लीजिए इसके अंदर आप यदि मिट्टी का यदि यूज कर रहे हैं दोस्तों, बहुत लोग जैसे मान लीजिए हम भी मिट्टी में लगाए थे, तो मिट्टी में आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी में जो चिपचिपा वाला मिट्टी होता है, हार्ड मिट्टी होता है, उसको आपको इसमें एकदम नहीं यूज करना है। आप मिट्टी दोस्तों यूज करेंगे तो जो बालू टाइप का मिट्टी होता है उसको आप देंगे तो सही पौधा आपका बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो साफ कंपनी का फंगीसाइड है आप देख सकते हैं, फंगीसाइड भी देना ज़रूरी होता है। हम पैरालाइट दे दिए, उसके बाद थोड़ा फंगीसाइड दे देंगे। तो इसको मान लीजिए आप यदि एक पॉट का बना रहे हैं तो उसमें आपको 2 ग्राम ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। और 10, 15, 20 पॉट का बना रहे हैं तो आपको 10 से 15, 20 ग्राम तक आपको देना है। तो दोस्तों वही बात है कि आपको मैंने कितना प्लांट के लिए आप बना रहे हैं मीडिया, उसी हिसाब से आपको फंगिसाइड को देना है। दोस्तों इसको आप यदि मैंने चाहते हैं, हम मीडिया के बारे में बात किए, तो आप यदि चाहते हैं मिट्टी में भी बनाने के लिए, तो पौधा मिट्टी में भी बन जाता है। किंतु मिट्टी के अंदर में आपको, आपके पास यदि जो धान का छिलका होता है यानी कि राइस हस्क, उसको आप दे सकते हैं, कोकोपीट दे सकते हैं थोड़ा, और कंपोस्ट दे सकते हैं, थोड़ा मिट्टी भी दे सकते हैं, तो उसमें भी आपका पौधा बिल्कुल अच्छा चलेगा। किंतु दोस्तों हम इस बार जो मीडिया रेडी किया इसमें हम मिट्टी नहीं दिया, इसमें आपको कोकोपीट, बालू, कोको हस्क, कंपोस्ट, पैरालाइट, और दोस्तों इसमें फर्टिलाइज़र जो है ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र नहीं दिया हुआ है। इसमें आपको नीम का खली है, थोड़ा सा DAP है, और थोड़ा सा आपको बोन मील है। दोस्तों यही सब मिला करके हम इस पौधे को लगा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी यदि मान लीजिए अपने पौधे को अभी रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे पुराना मिट्टी हो तो उसको थोड़ा बहुत हटा करके जो गमला है आपके पास है, आप उसी गमला में भी आप उसको रिपोर्ट कर देंगे तो आपका पौधा जो है बिल्कुल सही चलेगा। इसको बहुत ही जल्द जल्द इसको रिपोर्ट करने का नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए आपका पौधा 1 साल या 2 साल का हो गया है तो आप इसको रिपोर्ट करिए। यदि मान लीजिए छोटा पॉट में है और पौधा बहुत बड़ा हो गया, तो आप उसको थोड़ा सा एक साइज़ पॉट को बढ़ा सकते हैं और उसमें आप नया मीडिया दे सकते हैं। तो दोस्तों यही बात है। और इसके अंदर दोस्तों इस पौधे को बहुत लोग का मतलब रहता है कि प्रॉब्लम, पौधा ले गए घर पर और मर जाता है। तो दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप नया पौधा यदि खरीद रहे हैं तो उसमें आपको पानी मतलब कि ज़्यादा नहीं देना है, और जो प्लांट होता है उसके तरह ज़्यादा पानी ये बर्दाश्त नहीं करता। इसके जड़ में यदि पानी जम जाएगा तो इसका जो जड़ है ख़राब होने लगेगा, आप समझने नहीं सकेंगे, पौधा आपका मर जाएगा। तो आपको पानी कब देना है आपको देख लेना है, जड़ मतलब कि मिट्टी को देख लेना है कि मिट्टी हमारा, जैसे आज पानी दिए, इसमें डेली तो पानी देना नहीं है, एक इंडोर प्लांट है, थोड़ा बहुत मान लीजिए जहाँ रोशनी आ रहा है खिड़की के पास या बालकनी में या बरंडा के साइड में आप इसको रख रहे हैं या ऑफिस में रख रहे हैं, तो दोस्तों इसको मतलब कि यदि बिल्कुल ऑफिस के भीतर में रह रहा है तो इस पौधे को कम से कम आपको 8 दिन में, 1 दिन के लिए आपको थोड़ा 10 से 12 घंटे के लिए बाहर निकलना है। यानी कि मान लीजिए शाम को आप 6 बजे निकाल दीजिए, फिर 10 बजे तक आप इसको अंदर में कर लीजिए। तो सप्ताह में आपको 1 दिन ऐसा आप यदि करेंगे तो आपका पौधा बिल्कुल ही अच्छा चलेगा और सही रहेगा, बिल्कुल हेल्दी रहेगा। और इसका जो पत्ता है दोस्तों, पत्ता के ऊपर आपको पानी का स्प्रे करना है जिससे कि पौधा आपका बिल्कुल सही रहे, और गर्म के मौसम में हो सके तो 2 बार 3 बार इसके पत्ता के ऊपर पानी का आप स्प्रे कर सकते हैं। किंतु बाकी समय में ऐसा कुछ ज़रूर नहीं है, बाकी समय में आप मान लीजिए दिन भर में एक बार भी यदि आप इसके ऊपर पत्ता के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो आपका पौधा बिल्कुल ही हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों हमको उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। आपके काम के लिए वीडियो है दोस्तों कि आप अपने पौधे को किस तरह से केयर करेंगे, इसलिए हम वीडियो बनाए। जैसे मान लीजिए अपना पौधा हम लगा रहे हैं तो आपको इससे भी मैंने कुछ हेल्प मिलेगा कि पौधा जो है, नया पौधा आपको कैसे बना।
और इसके पहले भी दोस्तों मेरा वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर हम इसको मतलब जो भी ब्रांच है सबको कैसे कट किए हैं, और कट करने के बाद में दोस्तों ये नया प्लांट हम सब लगाएं तो वो किस तरह से यहाँ पर लगा दोस्तों, हम आपको पूरा रिजल्ट दिखाएं। तो हमको मेरे वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।